बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ में। अयोध्या गैंगरेप मामले में एक और बड़ा एक्शन हुआ है। भदरसा पुलिस चौकी का पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिया गया, पुलिसकर्मी रोहित यादव को सस्पेंड किया गया। एसएचओ चौकी इंचार्ज हो चुके हैं पहले सस्पेंड। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में बलात्कार का मामला सामने आया था, गैंगरेप का मामला, जिसको लेकर ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कल भी समाजवादी पार्टी का नेता जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है, उसकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस चौकी का पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिया गया है, पुलिसकर्मी रोहित यादव को सस्पेंड किया गया है। एसएचओ चौकी इंचार्ज इससे पहले सस्पेंड हो चुके हैं। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में एक 12 साल की लड़की के साथ में गैंगरेप हुआ था और इसमें 3 आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये मुख्य आरोपी मोहित खान की संपत्ति की तस्वीरें हैं, जहां कल बुलडोजर चला। आज बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या जाएगा। अयोध्या गैंगरेप के पीड़ित परिवार से बीजेपी प्रतिनिधि मंडल मुलाकात करेगा। दोपहर 12:35 पर बीजेपी प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने का समय है। सर्किट हाउस में पिछड़ा वर्ग से संबंधित बैठक होगी और इसके बाद भी दोपहर 1:50 पर डेलीगेशन पीड़ित परिवार के घर जाएगा। बीजेपी डेलीगेशन में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप शामिल है। और ज्यादा जानकारी के साथ में अयोध्या से संकेत मिश्रा जुड़ गए हैं। संकेत का रुख कर लेते हैं। संकेत, आज बीजेपी का डेलीगेशन अयोध्या पहुंचने वाला है, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेंगे, माना जा रहा आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। बताइए क्या अपडेट मिल पा रही है, कितने बजे का वक्त होगा जब बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचेगा अयोध्या? बिल्कुल, देखिए कुछ समय में परिवर्तन हुआ है, शेड्यूल चेंज हुआ है। उसके तहत भारतीय जनता पार्टी का जो डेलीगेशन है वो सबसे पहले एयरपोर्ट अयोध्या के पहुंचेगा। उसमें जो नरेंद्र कश्यप हैं, ओबीसी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल जाएगा। और उनके साथ में जो 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें संगीता बलवंत हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, और इसके अलावा बाबूराम निषाद हैं, वो भी राज्यसभा के सांसद हैं। तो ये पूरा प्रतिनिधिमंडल 12 बजे एयरपोर्ट से सीधे भदरसा गांव, जो कि पीड़ित परिवार जहां का निवासी है, वहां पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से ये डेलीगेशन मुलाकात करेगा। और जो अब तक की कार्रवाई हुई है, उस पूरी कार्रवाई के बारे में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल फीडबैक लेगा परिवार से, आखिर वो कितना संतुष्ट है और आगे क्या कुछ और चाह रहा है। इस पूरे मसले पर ये प्रतिनिधिमंडल बातचीत करेगा और पूरी ये रिपोर्ट जो विस्तृत है वो तैयार की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल 12 बजे पहुंच जाएगा अयोध्या एयरपोर्ट पर। अयोध्या से सीधे वो भदरसा पीड़िता के गांव में जाएंगे और वहां से फिर जिला अस्पताल आएंगे, जिला अस्पताल में जहां पीड़िता भर्ती है वहां पर पीड़िता का हालचाल लेंगे और उसके बाद फिर सर्किट हाउस पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये पूरी घटनाक्रम है, इसको कहीं ना कहीं योगी सरकार ने गंभीरता से और मजबूती से गंभीरता से लिया और ताबड़तोड़ कार्रवाई देखी। तो क्या आज भी इस पूरे मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई देखी जा सकती है, कोई बड़ा एक्शन हो सकता है? और दूसरा ये कि परिवार वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे थे, उस वक्त पीड़िता की मां ने बुलडोजर एक्शन की मांग की थी, तो क्या परिजन अब संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल, जाहिर सी बात है, पीड़ित परिवार पूरी तरीके से संतुष्ट है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्रवाई से, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं, जो कार्रवाइयां हो रही हैं इस पर नजर बनाए हुए हैं और लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। जो ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है, उसकी जो अकूत संपत्तियां हैं, जो अवैध रूप से इमारतें बनाई गई हैं, उसकी तमाम दूसरी जो गतिविधियां हैं सभी की पड़ताल की जा रही है और पूरी अभी कार्रवाई की शुरुआत है। कार्रवाई और होगी और सख्त कार्रवाई होगी, इसकी पूरी तरीके से इसमें प्रशासन जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीधे तौर पर निर्देश है कि इस पूरे मामले की पर दर परत जाना है और इसमें कार्रवाई करनी, और यही नहीं, सिर्फ मामला कार्रवाई तक सीमित नहीं रखना है, ये इस प्रवृत्त के जो लोग हैं उनको एक संदेश भी देना है इस कार्रवाई से, जिससे कि वो दोबारा ऐसी गलती करने की हिम्मत ना जुटा पाए। यानी कि जो इनकी अवैध संपत्तियां हैं, नजीर पेश करने की यहां पर कोशिश सीएम योगी आदित्यनाथ की, दोबारा इस तरह की वारदात को कोई अंजाम ना दे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।